नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चालू करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा चयन 2016 का हल प्रश्न, जो कि परीक्षा हुआ था 2/2/2019, मतलब ये पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है। इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जो कि कई लोगों का मैसेज आया कि सर पीजीटी का पेपर सॉल्व करा दी, तो उसी क्रम में आज हम 2016 पीजीटी का सॉल्व करा रहे हैं, कल 2021 पीजीटी का सॉल्व करा देंगे और एक दिन बाद ईएलटी 2018 में जो हुआ था उसका पेपर हम सॉल्व करवा देंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे पीजीटी 2016 के पेपर को, इसके पीजीटी 2016। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? बात होती है अजंता की, तो अजंता मित्रों यह औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और जो कि इसमें गुफाओं की संख्या टोटल 30 है। कितनी? टोटल 30 गुफाओं की संख्या है। अगर खोज की बात की जाए तो सर्वप्रथम इसकी खोज जॉन स्मिथ ने 1819 में किया था। कब? 1819 में किया था। और अजंता का जो कि नामकरण है मित्रों, वहाँ का एक गांव था अजिंठा, चाहे आज भी है अजिंठा ही बोला जाता है, जो कि अजिंठा के नाम पे इसका नाम अजंता पड़ा। यह टोटल 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। कितनी? टोटल 850 वर्षों में। तो ये ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन व गुप्त, जो कि गुप्त काल में मित्रों सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन हुआ है। कब? गुप्त काल में सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन किया गया है। कब? और यहाँ पे दो प्रकार की गुफाएं हैं, एक तो है चैत्य, दूसरा है बिहार। चैत का मतलब होता है मतलब मित्रों बौद्ध भिक्षुओं की उपासना या पूजा गृह, वही बिहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह। यहाँ पे टोटल जो कि 547 जातक कहानियों को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डच कलाकार ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक, जिसे चित्रित किया है, क्या है? वो डच कलाकार है, क्या है? ड्राफ्ट्समैन है, प्रिंट मेकर, जिसकी प्रसिद्ध कृति है तीन गायक। तीन गायक को किसने चित्रित किया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, रेम्ब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था?
क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर खुद दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड मंच ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया? एडवर्ड मंच ने 4 संस्करण में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, द स्क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियरो देला फ्रांसिस्का डॉट एक इटली का चित्रकार था। पियरो देला फ्रांसिस्का डॉट डॉट एक इटली का चित्रकार था। तो पियरो देला फ्रांसिस्का किस काल का चित्रकार था जो कि यह इटली का है? तो पियरो देला फ्रांसिस्का जो कि यह एक ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का यह चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की। इसकी अलौकिक कला, वह अति यथार्थवादी कलाकार हैं, उन्होंने ही जो कि अलौकिक कला की स्थापना की थी। तो अलौकिक कला की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर सी, डी चिरको। कौन है? डी चिरको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। बूंदी चित्रकला, तो इस कला में जो कि राजस्थानी संस्कृति का रंग, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर काल्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन की एक संस्थापक सदस्य थे। उस कला आंदोलन की पहचान करें। कौन? अलेक्जेंडर काल्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन की एक संस्थापक सदस्य थे। उस कला आंदोलन की पहचान करें। अलेक्जेंडर काल्डर। तो उस कला आंदोलन का नाम है कनेटिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? कनेटिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताएं। किसका? ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य बीसी एक का नाम बताएं। दोस्तों आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 125 में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो ये है जो कि ऑप्शन नंबर सी, फ्रांज मार्क। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांज मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अनावश्यक तत्वों से बचना चाहिए, उचित बनावट का उपयोग करना चाहिए, रंगों और स्वरों की भिन्नता। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति व्यक्तित्ववादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? अभिव्यक्तिवादी कला की
विशेष विशेषता क्या थी? अभिव्यक्ति कला, अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो इस कला की विशिष्ट विशेषता थी कि ऑप्शन नंबर ए, कला जो वास्तविकता की बजाय भावना व्यक्त करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ज्योतिष ज्योति संपादक थे या डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे? डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। यह है ऑप्शन नंबर बी, समकालीन कला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? कंपनी शैली में ये ऑप्शन नंबर बी, जन मानस। क्या है? जन मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था? किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था? क्या अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था? ऑप्शन नंबर ए, आंद्रे ब्रेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनार्डो द विंसी एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को सम्मानित किया। लियोनार्डो द विंसी एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को कब से कब तक सम्मानित किया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 1452 से 1519। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियरो देला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द क्रॉस एक है। द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस एक है। तो यह है फ्रेस्को तकनीक में। किसमें? फ्रेस्को। ऑप्शन नंबर डी। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुस्ताव कुर्बे का जन्म जो कि ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन पत्रिका द स्टार में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? द स्टार में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? कौन सी जर्मन पत्रिका है? द स्टार। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ओस्कर कोकोस्का। कौन है? ओस्कर कोकोस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये ऑप्शन नंबर बी, राम सुतार। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, राम सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है
जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्र फलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके फैला कर या बूंद बूंद कर टपका कर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है, जिसे खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है। उस शैली की पहचान कीजिए। क्या कह रहा है? यह एक अद्वैतिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है, जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्र फलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके फैला कर या बूंद बूंद कर टपका की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है, जिसके खास स्थल के सामने की ओर रखा जाता है। उस शैली की पहचान करें। उस शैली की पहचान करें। तो ये ऑप्शन नंबर डी, एक्शन चित्र कला। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एक्शन चित्र कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलता परम कृत्रिमता है, यह प्रसिद्ध उद्धरण एक प्रसिद्ध इटली की पुनर्जागरण कलाकार ने दिया। सरलता परम कृत्रिमता है, यह प्रसिद्ध उद्धरण एक प्रसिद्ध इटली की पुनर्जागरण कलाकार ने दिया। तो कलाकार हैं मित्रों, ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो द विंसी। कौन है? लियोनार्डो द विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निहाल चंद किस शैली की चित्रकार थे? निहाल चंद तो ये थे मित्रों किशनगढ़, जो कि किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है, बनी ठनी। कौन है? बनी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मसीह का ध्वज शायद 1455-1460 वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया, जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में जाना जाता है? रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। कब से? 1455 से 1560। ऑप्शन नंबर डी, पियरो डेला फ्रांसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्रनाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? जितेंद्रनाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? जितेंद्रनाथ मजूमदार को मित्रों संत कलाकार भी कहा जाता है। क्या? संत कलाकार। तो ये ऑप्शन नंबर सी, बंगाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था? कौन सा? द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांज मार्क। कौन है? फ्रांज मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दार्शनिक आंदोलन डाट के रूप में शुरू हुआ, जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों के पीछा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। तो कौन सा दार्शनिक है मित्रों? तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर डी, अति यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं। तो कृपाल सिंह शेखावत जो कि संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी, ब्लू पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक की पहचान करें। किसकी? एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक की पहचान करें। एक्शन पेंटिंग तो ऑप्शन नंबर डी, जैक्सन पोलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। तो यह ऑप्शन नंबर बी, संकल्पनात्मक कला। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे। तो यह ऑप्शन नंबर है, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? मार्ग पत्रिका ऑप्शन नंबर सी, मुल्कराज आनंद। कौन है? मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जिन ऑफ रॉक्स जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि 1483 के समय की है, कलाकार की पहचान करें। वर्जिन ऑफ रॉक्स जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की है, कलाकार की पहचान करें। ती ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो द विंसी। भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है? भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर डी, रायकृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 और 1950 के दशक की अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। 1940-1950 दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर ई, जैक्सन पोलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो का जन्म कहां हुआ था? माइकल एंजेलो का जन्म कहां हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, इटली में। कहां पे? इटली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू राइडर समूह की किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था? लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था, ब्लू राइडर समूह की किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन ए ग्रीन जैकेट ये ऑप्शन नंबर बी अगस्त मैके। 1905 में अर्नस्ट लुडविंग किरचेर के नेतृत्व में चार जर्मन कलाकारों की एक समूह ने ड्रेस्डेन शहर में गठन किया तो है ऑप्शन नंबर डी डाई ब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1495 में शुरू किया द लास्ट सफर जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया। 1495 में किसने शुरू किया था यह द लास्ट सफर जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया? ऑप्शन नंबर डी लियोनार्डो द विंची। कौन है? लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मार्सेल धूसर। राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुने। 1900 मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, ये सही है। बॉम्बे प्रगतिशील समूह सदस्य थे, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, जो कि वह बॉम्बे प्रगतिशील समूह के सदस्य नहीं थे, बाकी सब सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाने माने कलाकार सल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? सल्वाडोर डाली। तो ये है मित्रों ऑप्शन नंबर डी अति यथार्थवाद। एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया, उस कला आलोचक का नाम लिखिए। किसकी? एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया था, उस कला आलोचक का नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर ई हेरोल्ड रोशेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टिन चैपल की छत और इसकी वेदी की दीवार पर दी लास्ट जजमेंट नामक दो प्रभावशाली कार्यों को किया, तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर डी माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, को बहुत लोग अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक मानते हैं,
जो एक स्पेनिश है। डॉट डॉट को बहुत से लोग अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक मानते हैं जो एक स्पेनिश था। तो ये है सल्वाडोर डाली जो कि स्पेनिश कलाकार थे। क्या थे? स्पेनिश कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? एलोरा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है मित्रों, कहां पे? औरंगाबाद में। टोटल 34 गुफा हैं। कितनी? 34। 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन धर्म। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट रूप की परम सादगी और अभिव्यक्ति पूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता है। रूप की परम सादगी और अभिव्यक्ति पूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काले और सफेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है? एक काले और सफेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, एक रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका की संपादक थी? प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका की संपादक थी? ऑप्शन नंबर ए, रंग प्रसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है? सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है। सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है। सौंदर्य शास्त्र। क्या है? सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें डॉट डॉट और डॉट की कृतियों से रखी गई जिन्होंने 1885-19 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। चित्रकला विकसित की।
तो यह है ऑप्शन नंबर सी, विंसेंट वान गांग और एडवर्ड मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से एक का उपनाम अति यथार्थवादी का पोप है, जो आंदोलन की संपादक और मुख्य सिद्धांतवादी थे। उनके नाम को पहचानिए, उनके नाम को पहचानिए। तो ये है आंद्रे ब्रेटन, ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप किस लिपि में, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? सांची स्तूप में संदेश किस लिपि में खुदा हुआ है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ? सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ? तो यह ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक है। ऑप्शन नंबर ए, कार्ले आंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल लेखक हैं। श्रीलाल शुक्ल लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी, राग दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है, जिसने चित्रित किया है। अकबर नामा। देखिए, अकबर नामा को लिखा है अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने, जो कि टोटल 13 वर्षों में लिखी गई है। कितनी? 13 वर्षों, 1589 से 1600
1582 तक, 1589 से 1602 तक। तो इसे चित्रित किया है ऑप्शन नंबर बी। आयोग ने जो माना है भसावन को माना है, जो कि अकबरनामा मित्रों ये तीन भागों या जिल्द में विभक्त है। कितने? तीन जिल्द में यह विभक्त है। पहली दो जिल्द जो है मित्रों इतिहास की, और तीसरी जो है आईने अकबरी की। पहले जिल्द में क्या है मित्रों की आदम से लेकर सम्राट अकबर के जीवन में एक खगोली काल चक्र तक का उसमें विस्तार है। टोटल 30 वर्ष का, 30 वर्ष तक का उनका आयु का उसमें विस्तार है। दूसरे में मित्रों अकबर के शासन काल के 46वें वर्ष तक का उसमें वर्णन किया गया है। और अगले वर्ष जो कि 1602 में अबुल फजल ने शहजादा सलीम के षड्यंत्र का शिकार हो गया और तीसरी जिल्द वही समाप्त हो जाती है। तो इसका ऑप्शन है बी, आयोग ने ऑप्शन नंबर बी माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसिस कवि डॉट डॉट द्वारा शुरू की गया, जिसे 1924 में यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था। यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था। ऑप्शन नंबर ए, आंद्रे ब्रेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत कला कोष की लेखक कौन है? बृहत कला कोष की लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, डी विनोद भारद्वाज। कौन है? विनोद भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आवंत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीकृत व्यक्ति थे। अति यथार्थवादी और केंद्रीकृत व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर ए, मैन रे। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, मैन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकलांजेलो का जन्म 6 मार्च कैप्रेस में हुआ था। माइकलांजेलो का जन्म 6 मार्च डॉट श्री में हुआ था, कैप्रेस में हुआ था। तो 6 मार्च 1475 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज कर गए उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधे दर्शन के लिए डॉट द्वारा चुना गया। ऑप्शन नंबर ए, समकालीन यथार्थवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय कृष्णदास संबंधित थे? राय कृष्णदास संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी, कला इतिहास। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है ऑप्शन नंबर सी, अच्छा संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है, जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करना है, तो यह कहा था ऑप्शन नंबर जो कि डी, लूसियन फ्रायड ने। किसने? लूसियन फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सिद्धांत को
विकसित करने का श्रेय डाटा सत्य विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में था। ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? ऑप्शन नंबर डी तैल चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम पचारणी क्या है? तो यह उत्तम पचारणी जो कि अध्यक्ष ललित कला अकादमी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट, 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है। तो ये ऑप्शन नंबर डी डेविड क्या है? डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कलाकारों के समुदाय की पहचान नीचे दिए गए सूची से करें। तो ये ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट रोसेनबर्ग और जिम डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? रॉक गार्डन चंडीगढ़। तो ये ऑप्शन नंबर बी नेक चंद। कौन है? नेक चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकृति के किनारे को कहा जाता है? एक आकृति के किनारे को कहा जाता सकता है? एक आकृति के किनारे को कहा जा सकता है बाह्य रेखा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? तो ये ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाला रस सिद्धांत का विकास डाट डाट हुआ? तो यह है ऑप्शन नंबर ए नाट्य शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ययाति चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? ययाति चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? ययाति, तो यह है ई राम चंद्रन। किसकी? ई राम चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी क्या कलाकृति है? सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप से सही हालात और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण से दृढ़ संरचनात्मक तकनीकी पर जोर देती है। क्या है? दृढ़ संरचनात्मक तकनीकी पर जोर देती है। तो यह कला है जो कि ऑप्शन नंबर सी नवशास्त्री कला। क्या है? नवशास्त्री कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला
कलाकार की पहचान करी। अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करें। तो ये ऑप्शन नंबर डी, फ्रिदा कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो यह ऑप्शन नंबर ई, कला दीर्घा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ सल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप जूलियस द्वितीय की मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? पोप जूलियस द्वितीय की मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो भारत के पूर्वी हिस्से में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत नाट्य शास्त्र की सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताइए। संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। उत्तर प्रदेश संबंधित कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी, मुकुल पवार। अति यथार्थवादी के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? तो यह ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रायड। कौन थे? सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की स्पर्श से हुआ अनुभव है? किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव है? यह ऑप्शन नंबर डी, पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौर पंचाशिका डॉट द्वारा लिखा गया, चौर पंचाशिका जो कि किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्हड़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश की पहचान पहचानिए जहां अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था। उस देश की पहचान करी जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टाइन चैपल छोटा गिरजाघर छत में रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है? प्रमुख माध्यम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवशास्त्री चित्रकला स्कूल की ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अतीतवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट
का जन्म किस देश में हुआ था? अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। देवी प्रसाद राय चौधरी थे, देवी प्रसाद राय चौधरी थे तो एक ऑप्शन नंबर ए मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट, सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है, संस्कृत में सामान्य शब्द है तो ऑप्शन नंबर बी रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? मंसूर और मनोहर तो ये है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। क्या है? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए उत्तर में सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करें। जर्मन अभिव्यक्तिवादी तो ये है मैक्स बैकमैन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात नवशास्त्री कला ओठ ऑफ द होरेट्टी 1784 को द्वारा बनाया गया, ओठ ऑफ द होरेट्टी तो जो है ऑप्शन नंबर डी जैक्स लुइस डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासन काल के दौरान चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? अकबर के काल को हिंदी कला का, साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्थापत्य कला का जो कि शाहजहां, और चित्रकला का स्वर्ण काल औरंगजहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। कौन सा अल्टर ईगो नामक पक्षी था? तो ऑप्शन नंबर ए मैक्स अर्नस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर सेन क्या है? शेखर सेन क्या है? तो शेखर सेन एक नाटककार है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापा कलाकार को पहचानिए, छापा कलाकार को पहचानिए तो ये है दीपक बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए दीपक बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास चित्र शैली से संबंधित है, वास चित्र शैली से संबंधित है तो ये है ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ग्रंथ मूल ग्रंथ बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों की अस्तित्व का वर्णन करता है? कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों की अस्तित्व का वर्णन करता है? यह ऑप्शन नंबर ए विनय पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कोंडबियो को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं तो यह है ऑप्शन नंबर डी माइकल एंजेलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तु स्थान नेता नामक और रस भावनाओं की आवश्यक घटक है। तो इसके आवश्यक घटक हैं ऑप्शन नंबर ए रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव शास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के साथ हुआ, 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। तो ऑप्शन नंबर डी ज्ञान का युग। क्या है? ज्ञान का युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ गुफाएं स्थित है, बाघ गुफाएं स्थित है, यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहाँ पे? धार जिले में। नदी जो कि बाघिनी है, कौन सी? बाघिनी नर्मदा की सहायक नदी है। टोटल गुफाओं की संख्या 9 है। कितनी? 9। अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है। अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है। तो यह ऑप्शन नंबर ए भावनात्मक प्रभाव के लिए मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधे को चित्रित किया गया? पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात कलाकार गुस्ताव कुरुबे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? गुस्ताव कुरुबे। तो ये ऑप्शन नंबर सी यदि यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कलाकार का नाम दे जो आवंत गार्डी फ्रांसीसी चित्रकला मूर्तिकला मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे, जिनको वास्तुकला का जनक माना जाता है। वास्तुकला का जनक माना जाता है। तो है ऑप्शन नंबर जो कि डी मार्सेल धूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांवरी उवास चित्र किस कलाकार का है? सांवरी उवास चित्र किस कलाकार का है? तो ये ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ आर्य। किसका है? बद्रीनाथ आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांस्कृतिक कलात्मक और वास्तु शिल्पनात्मक अर्थ में नव शास्त्रीयवादी डॉट के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसे ऊपर शीर्ष पर उथले तौर पर देखा गया था, जिसे ऊपर शीर्ष पर और उथले तौर पर देखा गया था। तो यह ऑप्शन नंबर सी रोकोको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कला भवन के संस्थापक थे? भारत कला भवन के संस्थापक थे तो यह थे ऑप्शन नंबर बी राय कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को द्वारा चित्रित किया गया? द स्क्रीम। तो यह है एडवर्ड मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र को लगभग डॉट सदी में बनाया गया था? एलिफेंटा गुफाएं। तो एलिफेंटा गुफाएं जो कि मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि ये 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार को पहचाने जिसने न्यूड डिसेंडिंग स्टेयर केस 1912 की चित्रकारी की। न्यूड डिसेंडिंग स्टेयर केस 1912 की चित्रकारी
तो ये ऑप्शन नंबर डी मार्सन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम थी जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की, परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की। तो ये ऑप्शन नंबर डी फिलिपो ब्रुनेलेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति है। दूसरा, तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी न तो एक न तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतार सिंह पवार थे। यह थे ऑप्शन नंबर बी मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब हुआ था। तो 1900 की शुरुआत में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये हैं। सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मैक्स बेकन, ऑटो डिक्स, लियोन फिनिंगर और जॉर्ज ग्रोस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी मातिस डॉट कलाकार हैं। तो हेनरी मातिस मित्रों एक फाववादी कलाकार है। क्या है? फाववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय डॉट अर्थ में व्यक्त करने की मांग की। तो यह ऑप्शन नंबर सी भावनात्मक अनुभव। अंतिम प्रश्न, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे। तो ये थे राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे PGT 2021 का सॉल्व प्रश्न। धन्यवाद।